10% का जो मुद्दा है, ऑलरेडी फुल बेंच और लार्जर बेंच ये चीज डिसाइड कर चुकी है कि किसी भी वर्ग में आरक्षण जो है वो 50% से ज्यादा ना हो, 2-3 इसके जजमेंट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने डायरेक्शन करे कि विद इन 7 डेज आप एक नया नोटिफिकेशन जारी करो और इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि आरक्षण 50% से ज्यादा ना हो। तो जो फैसला है बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है ये माननीय उच्चतम न्यायालय का, और बिल्कुल जो ओबीसी वर्ग है उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का उसको मौका मिलेगा। जो कमी रह गई थी या जो पिछले ऑर्डर में कमी रह गई थी, पिछले ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट का ये इंटेंशन था कि चुनाव समय पर हो, पर चूंकि उस समय जो भी सबमिशन ना रख पाई थी सरकार या जो भी अधिकारी थे, वो कमी अब दूर हो गई है। तो मेरे हिसाब से विद इन 7 डेज प्रॉपर परिसीमन के आधार पर अधिसूचना नहीं जारी कर देगी सरकार। एक एक पेंच और समझना चाहेंगे मनीष जी, जैसे कि 50% से ज्यादा आंकड़ा ना हो ये तो कोर्ट कह चुका है, लेकिन सरकार के सामने अभी भी एक चैलेंज जो शायद हो सकता है आगे चलकर कि एससी एसटी के अलावा ओबीसी आरक्षण देने का जो ये फैसला लिया है, अगर ये आंकड़ा 50% के ऊपर जाता है, क्योंकि कई ऐसे जगह है जहां पर 50% के ऊपर जाने की बात कही जा रही है, सरकार के सामने या हम कहें पार्टी के सामने ये एक चैलेंज होगा कि वो कैसे 50% के भीतर ही इसे रोक कर रखें। बिल्कुल निश्चित रूप से ये सरकार के लिए चैलेंज होगा, पर मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको इससे कोई प्रॉब्लम आएगी, सरकार उसको भी हल कर लेगी, क्योंकि एससी भी है उसमें, एसटी भी है, ओबीसी भी है, इन तीनों का टोटल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए ये कहना है। अब जहां तक ये पहले 27% और 14% की बात हो रही थी, पर अब टोटल पूरा एग्जामिन करना पड़ेगा उसको 7 दिन के अंदर, और उसको मेरे हिसाब से सरकार और चुनाव आयोग मिलकर हल कर लेंगे इसे।